हे व्हाट्सअप गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द व्लॉग। आज हम निकल रहे हैं माथेरान के लिए। मैं और सुरभि आज पहली बार हिमालयन से करेंगे मोटो व्लॉगिंग। और मोटो व्लॉगिंग का सेटअप देखो हमारा रेडी है, इसलिए मैं ठूस देना है ये कैमरा और यूज़ कर रहा हूँ ये वाली माइक। चलो निकलो, बहुत बढ़िया लगने लगी अब धीरे धीरे। तो शुरू होने जा रही है हमारी राइड। कहाँ गए? और सुरभि पीछे बैठ के अब धीरे धीरे रोमांटिक होते हुए कभी मेरे कमर को पकड़े, कभी मेरे गर्दन को। लो देख लो ये सारे पहाड़। आँखें मेरी हर जगह। देखिए ये रास्ता जाता है थाने की तरफ और सामने वाला जाता है वसई विरार। ये जगह है चेना क्रिक। न जाने कितनी फिल्मों की शूटिंग हुई है चेना क्रिक में। कैसा लग रहा है? इसको तो सुनाई ही नहीं दे रहा है। अभी मैं ज़ोर से बोलूँगा तो आवाज़ फट जाएगी, इसीलिए ध्यान से सुने मेरी बात। मैं पूछ रहा हूँ कि कैसा लग रहा है? क्या हो रहा है? देखो क्या हो रहा है। अरे कान लगा के सुनो, कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? ऐसे ठंडी लग रही है, मज़ा नहीं आ रहा है क्या? रजनीगंधा खाओगी? खा लो, कान गर्म हो जाएगा। कोई लोग रजनीगंधा नहीं खाएगा कान गर्म करने के लिए। जितने भी राइडर्स हैं ना, वो हमेशा सुबह ही निकलते हैं। सुबह निकलने का रीज़न ये है कि उनको ट्रैफिक कम मिलता है, मौसम अच्छा रहता है। जब तक धूप होती है तब तक बहुत सारा डिस्टेंस वो कवर कर चुके होते हैं। बताओ, सब लोग अपने अपने काम पे जा रहे हैं, हम जो है घूमने जा रहे हैं, ऐसी ज़िंदगी कहाँ मिलेगी? कुछ बात करो सुरभि, बैठने आई हो क्या? अच्छा, ये सीधा नासिक में जाएगी। और ये क्या, ये पाइपलाइन है ना, ये मुम्बरा दीवा ऐसे होते हुए जाएगी ना। हाँ, यहाँ पे हम करें क्या? बस आइए, बैठिए, एंजॉय करिए। ये दो कपल हैं, एक ही कपल है। चलो भालू, ए भालू। आओ आओ आओ। कौवा कबूतर सब मिक्स है इसमें। ब्यूटीफुल, देखिए इतना बढ़िया पहाड़ है हमारे महाराष्ट्र में ही। अच्छा मंदिर, ओके, हाँ हाँ दिख गया, आई मुम्बरा देवी। लेकिन जाने का रास्ता कैसे है, पूछते हैं इनसे ही। वहां जाएंगे कैसे? अच्छा ये रहा ये रहा ये रहा, हेयर इज द वे। ओ माई गॉड, मुम्बरा देवी का प्रवेश द्वार। ये देखा, मार हो गई। कहीं पे भी हमको सुंदर सी चाय नहीं मिल रही है। चाय पीना है बिल्कुल। आगे चलो, जहां तुमको समझ में आए रुकना। अच्छा ऐसा क्या? ठीक है, चलिए ठीक है। हम ढूंढ रहे हैं कोई अच्छी सी चाय की दुकान। हमारे राइट साइड में है बदलापुर स्टेशन और इतनी भीड़ है बदलापुर में, ऐसा लग रहा है जैसे कल्याण हो, जबकि ये कल्याण से भी अगला स्टॉप है। बदलापुर से तो हमें तब प्यार हुआ जब बदलापुर मूवी आई, वरुण धवन और यामी गौतम। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही प्यारी फिल्म है। के राघवन
डायरेक्टर साहब, अब लग रहा है कि थोड़ा अच्छे एरिया में आ गया हूँ। ये सारी जगह बारिश के मौसम में कितना मज़ा आता होगा। तो अभी हम रुके हैं एक पेट्रोल पंप पे थोड़ा सा फ्रेश होने के लिए। अभी यहाँ से 49 मिनट्स दिख रहा है, 18 किलोमीटर के बाद माथेरान का वाटरफॉल स्टार्ट हो जाएगा। अब थोड़ी ही देर में आने वाला है। सबसे अच्छी बात यह है कि सड़क पे ज़रा भी धूल नहीं है, कोई पोल्यूशन नहीं है। और जब तक मैं माथेरान नहीं देखा था तब तक मुझे लगता था कि यार कैसा होगा, कहीं शिमला के जैसा होगा। कान बंद होते जा रहे हैं, मुझे तुरंत प्रेशर फील होता है जब भी मैं हाइट पे जाता हूँ, तो इसीलिए मैं कभी भी फ्लाइट में सफ़र नहीं करता। अब ज़रा देखते हैं यहाँ से। मेरे दोनों कान बंद हो चुके हैं, यहाँ पर रुका हूँ सिर्फ ये व्यू देखने के लिए। चलो चलते हैं, मैं तो बोले कि इतना दूर आया बस यही देखने के लिए। अरे मैं इधर ही खड़ा था इधर। काश हमको ट्रेन भी देखने को मिल जाती जुम्मा पट। ये कब तक चालू होने का चांस है? तो भी एक महीना जाएगा। एक महीना हो जाएगा, कोई नहीं फिर आएंगे एक महीने में। तुम लोग आगे निकल के पहुंच गए जितनी फास्ट तुम। नहीं तो एकदम एकदम आपने सही पकड़ा, हम आगे ही चले गए थे। ये व्हाट्सअप गाइस, व्हाट्सअप। तो माथेरान की एक जगह है जहाँ पर गणेश मंदिर का बोर्ड लगा हुआ है और जगह का नाम क्या है, माथेरान कट्टा। वेलकम टू माथेरान कट्टा। तो डॉग मुझे मिले इतना प्यार, आजा आजा। मानो हाथ से बिल्कुल ही अनटच्ड, किसी ने अभी तक इस डॉग को टच नहीं किया, इसको कभी दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये रहा रेलवे स्टेशन जुम्मा पट्टी और यात्री कोई भी नहीं है। तो अभी ये माथेरान कट्टा के जो ओनर हैं उन्होंने बताया कि अगले महीने से यहाँ पर ट्रेन चलने लगेगी, तो अगले महीने फिर आके देखेंगे। और ऊपर अगर ट्रेन का मज़ा लेना है ना तो ऊपर सर्विस है ट्रेन की, हम ले सकते हैं। आइए आज हम आपसे कुछ सवाल जवाब करेंगे। अब बार बार आप इसको मना नहीं कर सकते हैं। फालतू के सवाल नहीं पूछूंगा। नहीं एकदम फालतू का सवाल नहीं, एकदम काम का सवाल करूँगा। अब मुझे पता है कि आप फालतू के सवाल का जवाब नहीं देते हो आप। अब हम एकदम काम के ये बताइए कि क्या हम क्राइम पेट्रोल की जो क्वालिटी कम हुई है उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन? कट फंबल हो गया। हाँ यहाँ से निकलते हैं। अब 5 किलोमीटर की दूरी पर है ये माथेरान का दबदबा। आप बोलो मजा तो असली सफर का होता है। हाँ भाई देखो मजा तो सफर में ही है, मंजिल का क्या है, मंजिल तो मिल ही जाएगा। मंजिल तो मिल जाएगा, भटकते ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से नहीं निकले। देखिए व्लॉगिंग चालू है और बंदर अलग कंटेंट दे रहे हैं। तो देखो कैमरा लेके भाग जाएगा। इसको मजबूती से दोनों हाथों से पकड़ना, देखना छोड़ना नहीं। देखिए अभिषेक भैया को भी चस्का लगा है व्लॉगिंग करने का। तो जैसा सोच रहा था उसको प्रभु वैसे दिखा। और वैसे बोला भी जाता है ना, जिसके मन में जैसा रहता है उसको दुनिया वैसी ही नजर आती है। तो इनको वैसे ही नजर आता है। जिनके मन में चोर होता है उनको दुनिया चोर दिखती है। तो चोर में तुमने अपनी तरफ इशारा क्यों किया? जिनके मन में चोर होता है। देखिए सब कुछ क्लियर है, एकदम थिएटर सिखाना पड़ेगा कि कब कब हाथ किस तरफ ले जाना है। जब रास्ते के बीच में बाइक चालू ना हो तो कैसा फ्रस्ट्रेशन होता है बताओ सर। ये लोकेशन ना शूटिंग के लिए इतना बेस्ट है कि आप यहाँ पे कोई भी आपको जंगल का सीन दिखाना है या पेड़ों के बीच वाला सीन कोई दिखाना है। और बारिश में आते तो पता नहीं कितना सुकून मिलता है, बिना बारिश के इतना सुकून मिलता है। आदमी अपनी फैमिली के साथ आया था और आधे रास्ते में हार मान के घर वापस चला गया। बाइक से ही आया था कि मैं बाबा इतने ऊंची पहाड़ी में नहीं कर सकता। इतना ऊपर आ चुके हैं कि अब हमें जमीन दिखाई नहीं दे रही, वहाँ के घर नहीं दिखाई दे रहे हैं
और ऐसे ऐसे रास्ते आ रहे हैं, बताओ कैसा फील, कैसा तुम्हें एक्सपीरियंस, बताओ अपना कि कैसा। मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है। और डर नहीं लगा? डर किस बात का रास्ते आए? डर किस बात का है? वो बोलने के लिए अच्छा लगता है, पर डर इन्हें भी लगा। नहीं डर वर कुछ नहीं, देखो कहीं से तेंदुआ निकल के नहीं आने वाला है। जब तक आप यहाँ नहीं आए हो तब तक ही डर लगेगा, एक बार आ गए ना तो फिर सारा डर भी खत्म होगा और मजा भी आएगा। हाँ, लेकिन बाइक चलाने में एक्सपर्ट हो ना तभी आप बाइक चलाना यहाँ पे प्लीज, अगर नए नए हो तो कभी बाइक में चला के आना। हेलो मिस्टर ब्लॉगर, आइए ऊपर, बहुत कुछ मिलेगा ना अभी। और मौसम ठंडा है, उस पार अगर हम देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे कोहरा है, लेकिन उधर बादल है। नहीं खतरनाक तो कुछ नहीं है, रोड खतरनाक नहीं है, रोड बहुत प्यारा है। खतरनाक क्या होता है, वट इज खतरनाक? हाँ भाला लेके खड़ा है क्या रोड, जिसको देखो बहुत खतरनाक है, खतरनाक है। अरे क्या खतरनाक है, अरे मोरी माई, अरे ऐसी यार, इससे तो अच्छा बाइक को सर पे लाद के ले आए। इतनी चढ़ाई, इतनी चढ़ाई, खड़ा पहाड़ है। सीरियसली यार ये बहुत डेंजर है, बहुत ही सावधानी से। यही कि यहाँ पे जरा भी अपनी नजर हटाइए मत, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। और सर पे अगर आपके गोप्रो लगा है तो ये नहीं कि इधर देख करके आप ड्राइव कर रहे हो। देखिए ये यहाँ पे डेंजर है, ये अंदर जा सकता है। सेफ्टी के लिए भले यहाँ पर ऐसे दीवार लगा दी गई है, लेकिन 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 कहीं कहीं पे खुला हुआ है। बाप रे, गाड़ी चढ़ाते चढ़ाते पूरी गाड़ी गर्म हो गई है, अब तो मुझे डर भी लग रहा है। नहीं गाड़ी पूरी गर्म हो गई है। ओके तो ये हम लोग अंदर पहुंच गए हैं, और पता नहीं अभी पार्किंग कहाँ होगा, कितने का होगा, वो दिखे कि नहीं है। अभिषेक भाई कहाँ है? अच्छा अच्छा, वो बोलो ना। अभिषेक भाई उतरते ही व्लॉग बनाना शुरू कर देते हैं, बहुत ही डेडिकेटेड व्लॉगर हैं वो। हाँ भाई आ जाइए आप, ये थोड़ा सा हटा दो ना, इसको थोड़ा सा आगे कर दोगे तो उधर लगा देता हूँ, क्या नहीं तो लोग हिला नहीं पाएंगे ना गाड़ी।